सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक काफ़ी सरल आसन बतलाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गुल्फ आसन। यह आसन उनके लिए बहुत ही अच्छा है जो यौन विकारों से पीड़ित हैं, चाहे धातु क्षीणता है, चाहे नामर्दी है, वीर्य कम बनता है, या पेशाब में जलन होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, या उत्तेजना कम होती है, शीघ्र स्खलन हो जाता है, महिलाओं में ल्यूकोरिया की समस्या है, या रज नहीं बन पा रहे हैं, कम बनते हैं, या पेड़ में दर्द रहता है, गर्भाशय में सूजन है, या उसमें ट्यूमर हो गया है, या स्तन में ट्यूमर या कैंसर है, या पैरों में बहुत जलन होती है, तलवे पे, तो उनके लिए यह काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जिन्हें हृदय रोग की परेशानी है, रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है या रक्तचाप घटा रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है, या जिन्हें चलने में परेशानी होती है, घुटने में शिकायत है, उनके लिए बहुत बढ़िया है, और जिन्हें एड़ी में दर्द रहता है और कमर में दर्द रहता है, उनके लिए भी यह काफ़ी अच्छा है। तो आइए हम लोग उस गुल्फ आसन की ओर चलते हैं। इस आसन को करने के लिए आप शौच क्रिया से निवृत्त हो लेंगे और खुले स्थान पर ढीले ढाले कपड़े पहन करके बैठ के करेंगे। इसे बैठ करके किया जाता है और इसकी समय अवधि जो है वह 3 मिनट है। 3 मिनट तक आप इसे करेंगे। इसे सरलता से किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, प्रातः काल सायंकाल दोनों ही समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। पैर को फैला देंगे, हाथ को दोनों बगल में रख लेंगे और दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। अब यह फैलना नहीं चाहिए, ध्यान रहे, ये दोनों सटे रहने चाहिए। अब इसको आपको ऐसे ऐसे घुमाना है, गोल गोल, पहले घड़ी की दिशा में घुमा लेंगे, जितना अधिक गोल गोल घुमा सकते हैं, जितना आगे ले जा सकते हैं, जितना पीछे ले जा सकते हैं, आपको अधिक से अधिक आगे ले जाना है, अधिक से अधिक पीछे ले जाना है। इस तरह से आपको इसे करना है। और अब फिर इसको उल्टी दिशा में घुमाएंगे, जिन लोग को L3, L4, L5 में भी दिक्कत रहती है रीढ़ की हड्डी में, उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा है। इस तरह से घुमाएंगे गोल गोल, इधर से इधर से, आसान है, तो उसको कीजिए। और इसका लाभ उठाइए। देखिए यह जो हिस्सा है और यह हिस्सा, यह यौन के केंद्र का हिस्सा है। इस हिस्से में जिनको भी दिक्कत आती है उनको यौन संबंधित रोग हो जाते हैं, और यह जब मुलायम हो जाता है, यहाँ सक्रियता आ जाती है और इसके कारण यौन रोग दूर होते हैं। इसलिए यह यौन रोग की समस्या वालों के लिए
बहुत ही अच्छा है, तो इसको करें और इसका लाभ उठाएं। ओम।